भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक से बढ़कर एक जीव जंतु वहाँ पे मौजूद है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि अधिक विषैले होने की वजह से जाना जाता है, जो कि किसी जीव को डंक चंद माने मिनटों में इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले भारत में रहने वाले सबसे खतरनाक और विषैले सांपों के बारे में। इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। बम्बू पीटर वाइपर भारत के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों के श्रेणी में बम्बू पीटर वाइपर भी है। ये ज्यादातर दक्षिण भारत में पश्चिम घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि ये सांप बहुत कम काटता है, अगर ये सांप किसी को काट ले तो उसे चांद और तारा भी दिखाई दिला देता है, क्योंकि इस सांप के जहरीले दांतों के अलावा इसके बॉडी में हीट सेंसिंग सिस्टम होता है, जिससे कि यह आसपास के गर्मी को महसूस करता है। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो कि किसी इंसान को या किसी जीव को काटने के बाद उसे चंद मिनटों में उसे स्वर्गलोक पहुंचा देता है। सी स्केडल वाइपर, यह भी वाइपर प्रजाति का सांप है। इसका आकार सेल्स वाइपर से कम होता है, भले ही इसकी लंबाई कम होती है, लेकिन फुर्तीले और तेजी के मामले में और सांपों से काफी आगे है। भारत में इसके काटने के केस ज्यादातर गांवों के में देखने को मिलता है। इसके शरीर पर लकड़ी की तरह भूरे और सफेद रंग का निशान होता है, जिसके वजह से इसे पहचाना जाता है। ये सांप की सेल्स वाइपर की तरह एस बनकर अटैक करता है। इस सांप का जहर, सांप के जहर में भी हीमोटॉक्सिन होता है, जो कि काटने के बाद इंसान को बॉडी के अंदर के सेल्स को मार देता है, जिसके वजह से इंसान की मौत हो जाती है। द सेल्स वाइपर, यह भी वाइपर प्रजाति का सांप है। इसका आकार सेल्स वाइपर से कम होता है, भले ही इसकी लंबाई कम होता है, लेकिन फुर्तीले और तेजी के मामले में और सांपों से काफी आगे है। भारत में इसे काटने के केस ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है। इसके शरीर पर लकड़ी की तरह भूरे और सफेद रंग के निशान होते हैं, जिसके वजह से इसे पहचाना जाता है। ये सांप भी रेल्स वाइपर की तरह एस बनाकर अटैक करता है। इस सांप का जहर में भी हीमोटॉक्सिन होता है, जो कि इंसान को काटने के बाद उसे बॉडी के अंदर के सेल्स को मार देता है, जिसके कारण से इंसान को पड़ जाता है। कॉमन क्रैट, यह भारत में रहने वाला सबसे शर्मिला सांप है, जो कि इसे आमतौर पर करेट या काला नाग कहते हैं। ये कितनी शर्मिली है कि उतना ही ज्यादा जहरीला भी होता है। इस सांप के 12 प्रजातियां पाए जाते हैं भारत में। ये ज्यादातर रात में निकलते हैं और इंसान के शरीर की गर्मी पाने के लिए कई बार तो उसके बिस्तर में घुस जाते हैं। इस सांप के दांत इतने छोटे होते हैं कि इससे कई बार इंसान को काटने पर पता भी नहीं चलता है और नींद में ही इंसान मौत के नींद सो जाता है। इसे आमतौर पर इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके इस शहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है जाता है। स्पेक्ट्रल कोबरा, ये आमतौर पर इसे नाग भी कहा जाता है, यह भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सांप है। भारत में इस सांप के नाम से भी जाना जाता है। इसके फन पर स्पेक्ट्रल जैसा निशाना बना होता है, जिसकी वजह से इसे स्पेक्ट्रल कोबरा कहते हैं। इसकी जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है। इस सांप को काटने पर आंख में अंधेरा छा जाता है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और नींद जैसा लक्षण सामने दिखाई देने लगता है और अंततः इंसान को मौत हो जाता है। किंग कोबरा, किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबे और विषैले सांप है। इसकी लंबाई 5 मीटर यानी 13 फीट तक होती है। ये ज्यादातर दक्षिण अब भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में सांप काटने के सबसे ज्यादा होने वाले मौत कि किंग कोबरा भी शामिल है। किंग कोबरा का जहर कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिससे काटने के बाद इन न्यूरो सिस्टम को काम करना बंद कर देता है, जिसके शरीर में लकवा जैसा लक्षण दिखाई देने लगता है और इंसान को मौत हो जाता है। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।